गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में और उसके साथ साथ 3 मार्च के इतिहास के बारे में भी। और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वॉ बेटन किस देश के रहने वाले हैं? तो वॉ बेटन की जो एज है वो लगभग 112 साल है। वो अगले महीने जो है 112 साल के हो जाएंगे। अभी इनकी जो उम्र है 11 साल और 11 महीने हैं, 111 साल 11 महीने हैं। तो ये जो है किस देश से हैं? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी लग्जमबर्ग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये जो है ब्रिटेन से रहने वाला है। ब्रिटेन क्या है ये? बॉब बेटन। अच्छा, जापान क्या है कि पिछले जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वो जो है वो जापान से ही थे, और उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा कि इनका नाम क्या है। लग्जमबर्ग में क्या है कि लग्जमबर्ग में दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने क्या किया है कि पूरी जो कहे जो गवर्नमेंट जो भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, उसको फ्री कर दिया है सबके लिए। इवन अगर आप एक एज ए पर्यटक भी अगर इस देश में जाते हैं लग्जमबर्ग में, जो एक यूरोप का देश है, यह है एक यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग, तो यूरोप का एक देश है लग्जमबर्ग। इसने क्या किया है कि जो भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, इवन जो पर्यटक है वहाँ घूमने जा रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, करेंसी यहाँ पे पाउंड है, और इनके पीएम का नाम है बोरिस जॉनसन। भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ गैस बस कहाँ शुरू की गई है? तो हमारे पास ऑप्शंस है, ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी केरल और डी बिहार। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। जो पहली जो लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस है वो केरल के कोच्चि में जो है ये शुरू की गई है, और इसको हम बोल सकते हैं एल एलसी नेचुरल गैस एलसीजी, सॉरी एलसीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस एलसीजी बोलते हैं। तो पहली एलसीजी बस जो है वो केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। केरल है, केरल की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम जो है वो पी विजयन है, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। 1 मई 2020 तक कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी केरल और डी बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र जो है 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा। इन्होंने मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है लगभग, तो अब महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को, और इसी दिन गुजरात की भी हुई थी, जो कल के वीडियो में मैंने भी बताया था। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जो है बम्बई से जो अलग हुए थे, दो राज्य बने थे। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ए लखनऊ, बी कोटा, सी कोच्चि और डी जयपुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोटा में जो है सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे जो लोकसभा के वो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी ने, ओम बिरला, इन्होंने कोटा में जो है इस अभियान की शुरुआत की है। लखनऊ में क्या हुआ था? तो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ था। कोटा में सुपोषित महा अभियान की शुरुआत हुई, उसके बाद कोच्चि में पहली एलसीजी लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बस, पहली एलसीजी बस है कोटा में,
और जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। ले तो कोटा कहाँ पे आपको? कोटा राजस्थान में, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी राजस्थान के जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत है, जो कांग्रेस के है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 29 फरवरी, सी 1 मार्च और डी 2 मार्च। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 29 फरवरी। ये डेट याद रख सकते हैं कि 29 फरवरी एक दुर्लभ डेट है जो 4 साल बाद आता है। तो इस दुर्लभ डेट को जो है विश्व दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए रखा गया ताकि लोगों को जो है मतलब याद रहे और लोग इसके प्रति जागरूक रहें। अच्छा, 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 1 मार्च को बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। डिफेंस डे जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 2020 मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता है? ए राफेल नडाल, बी डोमिनिक थियम, सी रोजर फेडरर और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राफेल नडाल ने जो है मैक्सिकन ओपन 2020 का खिताब जीता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च और डी 4 मार्च। तो आज ही के दिन मतलब 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ए बंगलुरु, बी कोची, सी कोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये जो है बंगलुरु में आया था। बंगलुरु का है कर्नाटक की राजधानी है। तो बंगलुरु में जो क्या है विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ बंगलुरु में जो है 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट, मैं सिर्फ डिजिटल पेमेंट को डीपी लिख रहा हूँ, डिजिटल पेमेंट में यूपीआई भी सबसे ज़्यादा। तो इंडिया का जो है बंगलुरु जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज करने वाला शहर रहा है। उसके बाद चेन्नई दूसरे नंबर पर और मुंबई तीसरे नंबर पर था डिजिटल पेमेंट यूज करने में। कोटा में जो है सुपोषित महाअभियान और कोच्चि में पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस शुरू हुई थी। कोरोना वायरस के कारण जो है अजलान शाह हॉकी जो टूर्नामेंट होता है उसका आयोजन अब सितंबर अक्टूबर में मलेशिया में होगा। कहाँ पे? मलेशिया में। और मलेशिया के नए पीएम बने हैं तो उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है कि मलेशिया के नए पीएम का नाम क्या है। अच्छा, अजलान शाह क्या है? यह एक हॉकी टूर्नामेंट है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन है? तो ये असम के मुख्यमंत्री है। उनको जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है एक राजनीतिक अवार्ड है जिसको राजनीति में अच्छे मतलब जिनका अच्छा कहे नेचर और अच्छे व्यवहार के लिए जो है अच्छे राजनीति के लिए जो है किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वो जो है सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। ये असम के जो है असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी। चलिए बढ़ते हैं आज 3 मार्च के करेंट हिस्ट्री की तरफ। तो राजा राव नंदलाल मंडलोई ने जो है 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंदौर इंदौर की स्थापना राजा राव नंदलाल मंडलोई ने की थी। अच्छा, इंदौर क्या है? इंदौर लगातार थर्ड ईयर में जो है इंडिया तीसरे लगातार 3 साल से जो है इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। मतलब इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 स्थान आता है इंदौर का। उसके बाद 1915 में जो है नाका जो कि बाद में नासा बन गया था। नासा जो है अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है। तो नासा का पहले नाम नाका था। तो उसकी स्थापना 1915 में की गई थी और ये अमेरिका में है। उसके बाद 3 मार्च 1939 को ही जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।